गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है यहाँ पे सारी रात से। अब इस बारिश के नाम से याद आया कि हम लोगों ने तरक्की के लिए काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगाई, बिना मतलब गाड़ियाँ चलाईं। जब ज़रूरत नहीं थी तब भी अपनी बाइक को लेके इधर और इधर भागते रहे। फैक्ट्रियों का धुआं आसमान में छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया, हवा गंदी करती। और उसके बाद इंतजार किया इस बारिश का कि हम लोगों ने जो कुछ बुरा किया हुआ ना इस वातावरण के साथ, उसको ये बारिश थोड़ा धो दे। मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना करेंगे कि इस कुदरत को गंदा करेंगे और फिर कुदरत ही हमारे किए हुए बुरे कामों को धोएगी। इंसान बुरा करता है कुदरत के साथ, जहाँ जो उसका मन आता है वो कर देता है, और उसके बाद इंतजार करता है बारिश का कि उसके पापों को थोड़ा धो दे। पर कितने साल तक धोएगी? थोड़ा कम करो इसको। इसको थोड़ा साफ सुथरा रखो। इंतजार आप लोग ही करते हो, बारिश का भी इंतजार करते हो, हर जगह साफ सुथरी होने का भी इंतजार करते हो, लेकिन ये बारिश जब नहीं होती है तब ऊपर वाले को कोसते हो। खुद को क्यों नहीं कोसा कभी? आज बारिश हो रही है, मेरे ख्याल आज तो पूरे पंजाब में भी शायद बारिश होगी कहीं, तो सबको सुकून मिल रहा होगा इस गर्मी से, और सारे इंतजार भी कर रहे थे। अब क्या कर, आखिर में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुदरत ने ही आपका साथ दिया है फिर से। तो थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट को बचाइए। जरूरत नहीं है तो पंखे बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है तो एसी बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है तो लैपटॉप बंद कर दीजिए, अपना कंप्यूटर बंद कर दीजिए, ये बिजली के बल्ब बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसको बचाने के में आप जितना सहयोग कर लोगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा। और एक और रिक्वेस्ट है, हम लोग जो करते हैं वो हमें पता होता है, तो इसलिए उसका दोष एक दूसरे के सर पर ना मढ़े तो अच्छा है। कुदरत को खुद ही बचाइए। आने वाले टाइम में आप लोगों ने तो देख लिया इसको, आप लोगों ने बारिश भी देख ली, आप लोगों ने पेड़ पौधे भी देख लिए, कई लोगों ने थोड़े बहुत पक्षी वगैरह भी देखे होंगे, बर्ड्स भी देखे होंगे, लेकिन आपके बच्चे और ये आने वाली पीढ़ियां जो उनके बाद आएंगी ये कुछ नहीं देखेंगी, तो थोड़ा बचाइए उसको। थैंक यू।